जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग के बाद अब दूसरे दौर की वोटिंग वाली सीटों पर नजरें टिक गई हैं। 2022 में हुए परिसीमन के बाद रियासी विधानसभा क्षेत्र से अलग हुई श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट के वोटरों से पीटीआई वीडियो ने बात की। वोटरों के मुताबिक स्वास्थ्य के साथ इलाके में पानी की कमी अहम मुद्दे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि इलाज कराने के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है गांव कोठरी में। तो अभी अभी कोई स्कीम निकली है, वो ठेकेदार जो आए हैं वो अलग अलग सिस्टम से पानी का कोई जुगाड़ कर रहे हैं। रीजनल जहां से पानी मिलता है या आता है या आ सकता है बोरी कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। की बात करें तो कितना मजबूत है इस घुमा के हेल्थ सेंटर? बिल्कुल है ही नहीं। क्या मांग जहाँ पे है, जहाँ पे है वहाँ पे भी कोई नहीं होता है। अगर हमारा कोई बीमार हो जाता है रियासी या उधमपुर में जाना पड़ता है। 10 साल के बाद वोट डालने जा रहे लोगों ने खराब सड़कों और बिजली कटौती के मुद्दों को भी उठाया। हमारी मूलभूत समस्या अभी तक है कि अच्छे रोड नहीं है। बिजली हमारे है तो है ही, नाम की है, लेकिन जब भी कोई बारिश आती है कोई कुछ भी होता है तो हमारे लाइट कट जाती है। 24 घंटे में से हमारे 2 घंटे लाइट आती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद एक समस्या हमारी ये है कि पानी की भी बहुत समस्या है हमारे गांव में। अभी तक हम 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम एक अच्छा लीडर चुन के आगे भेजें जो हमारी मेन समस्या है उनको हल करने में हमारी हेल्प करे। श्री माता वैष्णो देवी सीट के वोटर इलाके का विकास चाहते हैं। इस सीट पर दूसरे फेज में 25 सितंबर को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग के बाद अब दूसरे दौर की वोटिंग वाली सीटों पर नजरें टिक गई हैं। 2022 में हुए परिसीमन के बाद रियासी विधानसभा क्षेत्र से अलग हुई श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट के वोटरों से पीटीआई वीडियो ने बात की। वोटरों के मुताबिक स्वास्थ्य के साथ इलाके में पानी की कमी अहम मुद्दे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि इलाज कराने के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है गांव कोठरी में। तो अभी अभी कोई स्कीम निकली है, वो ठेकेदार जो आए हैं वो अलग अलग सिस्टम से पानी का कोई जुगाड़ कर रहे हैं। रीजनल जहाँ से पानी मिलता है या आता है या आ सकता है बोरी कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। की बात करें तो कितना मजबूत है इस घुमा के हेल्थ सेंटर? बिल्कुल है ही नहीं। क्या मांग जहाँ पे है, जहाँ पे है वहाँ पे भी कोई नहीं होता है। अगर हमारा कोई बीमार हो जाता है रियासी या उधमपुर में जाना पड़ता है। 10 साल के बाद वोट डालने जा रहे लोगों ने खराब सड़कों और बिजली कटौती के मुद्दों को भी उठाया। हमारी मूलभूत समस्या अभी तक है कि अच्छे रोड नहीं है। बिजली हमारे है तो है ही, नाम की है, लेकिन जब भी कोई बारिश आती है कोई कुछ भी होता है तो हमारे लाइट कट जाती है। 24 घंटे में से हमारे 2 घंटे लाइट आती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद एक समस्या हमारी ये है कि पानी की भी बहुत समस्या है हमारे गांव में। अभी तक हम 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम एक अच्छा लीडर चुन के आगे भेजें जो हमारी मेन समस्या है उनको हल करने में हमारी हेल्प करे। श्री माता वैष्णो देवी सीट के वोटर इलाके का विकास चाहते हैं। इस सीट पर दूसरे फेज में 25 सितंबर को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।